एक्चुअली क्या है कि मैं जो हूँ वो वेस्टर्न यूपी से हूँ और ये ईस्टर्न यूपी की स्टोरी है, तो एक्सेंट में भी बहुत फर्क है। जैसे हमारा बहुत जो कनेक्टेड है वो हरियाणा से, अरे के करण ला गया भाई टाइप के, इस तरह का है हमारी जो लैंग्वेज है। तो ये है कि कार है इस तरह का हो जाता है थोड़ा सा, तो बहुत फर्क है एक्चुअली। रे के करण लग रहा है वो वहाँ पे, कार है ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए बहुत डिफरेंट है एक्सेंट। लिख चुकी मैंने गैंग्स में भी इसी तरह का कुछ एक्सेंट यूज़ किया था, तो उस वजह से थोड़ा इजी पड़ा। वसैपुर के फैजल में और इस फिल्म के बाबू में क्या डिफरेंस है? फैजल थोड़ा इमोशनल था, ये इमोशनल है नहीं बिल्कुल भी एक्चुअली। ये बहुत ही कहना चाहिए, मुझे गाली देनी चाहिए इसको एक्चुअली, वैसा ही है, बहुत ही बेशरम किस्म का इंसान है। इसके अंदर कोई इमोशन, प्यार भी नहीं, लस्ट है इसको, इस तरह का इंसान। फिर आप लोग मैम आती है Hello? तो दिमाग में आता है स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी उड़ाती हुई एक लड़की, या फिर एक ग्लैमरस किरदार कैटरीना दीपिका का। आपने स्टोरी पढ़ी और किरदार मिला मोची का, कैसा लगा? क्या बताऊं, जब मैं एक्टिंग में आई थी तभी वही सपना दिखा था कि स्विट्जरलैंड में जाऊंगी मैं साड़ी उड़ाऊंगी। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि ये बहुत बोरिंग है, सारी हीरोइंस यही करती है, क्यों ना जूता सिला जाए, जूते में टाके लगाया जाए। तो बहुत एक्साइटिंग प्रोफेशन है ना इट इज एक्चुअली। और नवाज के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ही इज बीइंग अ वेरी स्टेलर एक्टर, साथ में बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा लगा उनके साथ में? उनके साथ मैं कई सालों से काम करने के लिए मैं तरस रही थी, और कई बार मैं शॉर्टलिस्ट हो गई पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मतलब काम करना नहीं बन रहा था। फाइनली जब मिला, मतलब किसी और का रोल मेरे झोली में आ गया, तो मतलब मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये ना अपने एक्टर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं, स्क्रीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने मतलब एकदम नॉर्मल इंसान, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं एक्टर्स को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेल हमारे साथ में विदिता बाग, प्लीज एक बार जोरदार तालियां के लिए, थैंक यू सो मच मैम। डायलॉग जो है ना इन्होंने लिखे हैं, कल को मेरे पे अगर कुछ वो आता है ना, ब्लेम आता है, तो ये इन्हीं। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को किसी कोई सवाल है मैंने उसके बाद कोई ऐसी फिल्म भी नहीं की थी, तो मैं चाह भी रहा था कि कोई उसके आगे का कोई ऐसा कैरेक्टर हो, थोड़ा क्रूकी टाइप का हो, क्योंकि मुझे मजा आते हैं इस तरह के कैरेक्टर करने में ऑफकोर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस था मेरे लिए वापस से फिर से। जैसे मैंने बताया कि गैंग्स से बहुत ही अलग है, गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही लाइक फैजल जो था बहुत इमोशनल था, बहुत एथिक वाला था, और लाइक जैसे स्टोरी में पता चलता है सिर्फ अगर उसकी अगर एक वाइफ है तो सिर्फ वाइफ ही के बारे में बात करता है, उसको प्यार भी करता है। ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है, और ये एक वाइफ से इसका काम नहीं चलता, इस तरह का है। नहीं नहीं वो मैं बताता हूँ, मैं एक सीन बोलता हूँ। इन्होंने ना ज़्यादा टैक्स मांगे थे, इन्होंने ज़्यादा टैक्स मांगे थे। तो नहीं वो तो जो डायरेक्टर का वो होता है, उसको अपने कहीं से फोकस हिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कैमरा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो फिर से वापस से क्या पहली बार किया, थोड़ी नर्वसनेस तो होती है ऑफकोर्स, तो क्योंकि इतना इस तरह के सीन मैंने किए नहीं थे पहले, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नर्वसनेस भी थी क्योंकि सीन करना होता है तो फिर सीन पे ही फोकस करना पड़ता है, इधर उधर नहीं। हाय दिस इज अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, द ट्रेलर इज रियली गुड। And my question to you is that you are certainly the most demanded gangster of Bollywood. I mean, Gangs of Wasseypur, then Munna Michael also. You're playing a gangster here. Munna Michael अभी आपने देखी नहीं, तो आप नहीं बोल सकते उसको। Sir, but थोड़ा बहुत किरदार आपका है मिल रहा है, तो क्या reason है? What is the reason that you know you are? See, मैंने I think अगर आपके accordingly अगर देखा जाए तो कि तीन gangster की होंगी, एक की तीन gangster की होंगी, एक ये Gangs of Wasseypur और मुन्ना माइकल जो आप बोल रही हैं, अभी उसमें है नहीं, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, वो आपको फिल्म जब रिलीज होगी तब पता चल जाएगा। हीरो जब 35 फिल्में एक ही तरह से करता है, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते। मैंने सिर्फ तीन गैंगस्टर कर लिए, आप बोलने के आप गैंगस्टर ही क्यों करते हैं? सर मेरा सिर्फ ये था कि और बेस्ट मतलब कोई पर्टिकुलर क्या आप उसको
अच्छा महसूस करते हैं एज अ गैंगस्टर प्ले करना या क्राइम से रिलेटेड प्ले करना? दैट वाज माय क्वेश्चन. नहीं, मैंने उसके अलावा भी बहुत अच्छी तमीज तहजीब वाली फिल्में भी की हैं. मंटो भी की है मैंने, है ना, हैं माझी की है और लंच बॉक्स की है और उसके अलावा बहुत सारी अलग तरह की हैं. मॉम की है, देखो देखो, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसमें, मतलब फ्रीकी अली की है. तो इतनी सारी फिल्मों को आप भुला के सिर्फ दो तीन फिल्मों के ऊपर पीछे पड़ जाएंगी तो मेरे लिए थोड़ी आप मेरे पे ज्यादा कर लेंगे. तो हेलो, मुझे दो कैरेक्टर से सख्त नफरत है. एक तो बिल्कुल आउट एंड आउट विलन और एक आउट एंड आउट हीरो जो होता है, और उसका टाइम अभी ख़त्म भी हो गया क्योंकि जो हमारे जो हीरो थे वो भी थोड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर्स कर रहे हैं. तो मुझे उसी में मज़ा आता है, और चूंकि वो ह्यूमननेस के बहुत आसपास होते हैं, आप में मेरे में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं और वो बहुत ही रियल होते हैं वो. तो मुझे इस तरह के कैरेक्टर करने में मज़ा आता है जो रियल हों, जो आप जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हों, जो आपके आसपास कहीं एग्जिस्ट करते हों, जो शहर में हों या दूसरे शहर में हों, जो दुनिया में मौजूद होते हैं. मुझे उन कैरेक्टर को करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता जो नॉन एग्जिस्ट होते हैं. आप अगर कभी गौर करें, जो हीरो वाली हम फिल्में देखते थे, अब तो खैर उनका चलन कम हो रहा है, लेकिन वो जो कैरेक्टर होते थे उसमें वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते. अगर आप रियल लाइफ में उनको सोच के देखिए कि वो रियल लाइफ में कहीं आपको दिखते हैं, वो सिर्फ फिल्मों के लिए होते हैं. तो मुझे ऐसी फिल्में नहीं करनी जो एग्जिस्ट ना करती हूँ, जो प्लॉट एग्जिस्ट ना करती हूँ, जो कैरेक्टर एग्जिस्ट ना करती हूँ. हेलो, एक तो उम्दा एक्टर तो है ही, आप बता चुके हैं, सबको पता लग चुका है, लेकिन जिस तरह के कैरेक्टर करते हैं आप वो रियल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का भी उसमें योगदान है. नहीं, मैं मेरा शायद आपको पर्सनैलिटी का भी नहीं, और क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि मेरे पास तब कोई काम नहीं था. 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही घूमता रहता था. तो उस दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए, रियल लोगों के बीच में रहा हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ जो जिनकी अपनी स्टोरीज हैं, जिनके मैं शीशों के घरों में बैठ के नहीं कभी ये सोचा मैंने कि मैं अब सारे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ. मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर्स क्योंकि मैं मिला हूँ उनसे, मैं जानता हूँ उनसे, मैंने उनसे बात की है, उनके बीच में रहा हूँ. मैं भीड़ का एक हिस्सा हूँ, तो उस भीड़ में मैं रहा हूँ, तो इसलिए वो थैंक गॉड और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस तरह के लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए आज कर पाता हूँ ये सारी चीज़ें. नहीं, डर नहीं था क्योंकि मैं इनका काम कई सालों से फॉलो कर रही थी. नहीं, आप इतने बड़े इतने अच्छे एक्टर हो, एंड और मुझे पता भी था कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो मुझे कोई अप्रिहेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था. मुझे इंतजार था ऐसे रोल का, फाइनली मिला कर लिया मैंने. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस नवाज सर के साथ में? केमिस्ट्री दिखेगी आपको फिल्म में. तो गैंग्स के बाद ही हो गया था. गैंग्स के बाद आई थिंक 200 के आसपास मेरे पास स्क्रिप्ट साइन थी. तो अगर उस वक्त पे वो स्क्रिप्ट मैं साइन कर लेता तो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खड़ा होता. जब वक्त आता है तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मैंने बनते हुए भी देखा और फिर नीचे आते हुए भी देखा. रीज़न सिर्फ एक ही था, बहुत अच्छा एक्टर, रीज़न सिर्फ एक था कि पता नहीं किस लालच में फिल्में साइन कर लिया कि कर लो शायद ये वक्त आए ना आए. मैंने ऐसे नहीं, वक्त है अभी, टाइम है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, फिल्में भी कहीं नहीं जा रही हैं, है ना, फिल्में भी बनती रहेंगी. तो टाइम लेके करना चाहिए, अगर लंबा जाना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा. हाय नवाज, मुझे नहीं मालूम अभी, तो मैं इतना तो मैं अपने आप को थर्ड पर्सन होकर नहीं देख पाता. तो मेरा सिर्फ ये है कि भाई मैं मुझे जो टास्क मिलता है मैं उसको जेन्युइनली ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूं, मैं वहीं तक रहना चाहता हूं. हाय नवाज, आप कैन वी प्लीज आस्क दिस लेडी टू क्वेश्चन प्लीज. बाबू मोशाय,
वो राजेश खन्ना जी की याद दिलाता है सबको, तो क्या उनका कोई एक ऐसा किरदार या एक ऐसी फिल्म जो फ्यूचर में अगर दोबारा बनती है तो आप उस किरदार या फिल्म को में पार्ट बनना चाहेंगे या करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था और है, पसंद है। अगर उस तरह का स्टाइल की कोई फिल्म होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा। कोर्स बहुत ही गलत है, मैं क्या मतलब पूरा देश बोल रहा है यार, बहुत ही गलत बात है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। We will end it with this dialogue, everybody. Popcorn, popcorn. Popcorn खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत दवा लगता है। जानते हो कहे? कहे कि उसकी फटरी।